नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार भूचाल का जो दौर है वो थमे बिना चले जा रहा है और इस बेलगाम सियासी भूचाल पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। एक के बाद एक नई परतें खुलती रही हैं, एक के बाद एक कई तरह से जो है सियासत जो है गर्मा चुकी है। लेकिन इस गर्माई सियासत में अब एकनाथ शिंदे की जो एंट्री है वो बेहद ही धमाकेदार है। यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार अपने CM पद को बचाने के लिए, क्योंकि अभी देखा गया कि जिस तरीके से भूचाल मचा हुआ है उसमें कभी भी किसी के बिहार से तख्ता पलट हो सकता है। इस बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार लोगों के दिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार विधायकों को अपने साथ जोड़े रहना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ में ही एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने इन तमाम मुद्दों को एक साथ देखते हुए यहाँ पर दो बड़े ऐलान यहाँ सभी के लिए किए हैं। सबसे पहला ऐलान तो उन्होंने ये किया था कि वो अब जो भी आगे अपने कदम बढ़ाएंगे उसमें सारे प्रोजेक्ट्स को एक विकास की ओर तेज रफ्तार गति से आगे बढ़ाएंगे। दूसरा उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रॉमिस किया राज्य में वो ये कि अब किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं की घटनाएं आती थी उस पर लगाम लगा दिया जाएगा, यानी कि आत्महत्या को लेकर के उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि अब महाराष्ट्र जो है वो आत्महत्या मुक्त माना जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र को बनाने वाले हैं CM शिंदे। आपको बता दें कि पिछले 24 दिनों में 89 किसानों ने अपनी जान दी है, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे ने इस चीज़ को लेकर के अलर्ट मोड दिखाते हुए इस पर अपना ये पूरा बड़ा बयान दिया है। इस बयान के बाद सियासी हलचल तो तेज होना ही था, सियासी हलचल भी अपने चरम पर है। लेकिन दूसरी तरफ देखा ये जा रहा है महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। अब इस जारी कार्यक्रम के दौरान जो है एकनाथ शिंदे और कितने नए परते खोलेंगे वो देखने वाली बात है। किन से कैसे कैसे बड़े ऐलान जो है वो इस दौरान करेंगे उस पर भी हमारी नज़र बरकरार है। बहरहाल यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बयान से शिवसेना सहित BJP के अंदर भी हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके अपने सारे फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि BJP को भी गवारा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है उन्हें भी अब ये सारे मामले सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों के साथ में आप लोगों को क्या लगता है कि शिंदे का ये बड़ा ऐलान कि किसानों के आत्महत्या मुक्त अब यहाँ पर महाराष्ट्र बनेगा, इसमें आपको कितना दम लगता है? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता पलट के बाद क्या वहाँ पर अब किसानों की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी? क्या किसान जो है वो पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएंगे और आत्महत्या करने की नौबत नहीं आने देंगे? इन तमाम मुद्दों के साथ में आप लोग के जो भी तर्क हैं हमें कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम